झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली है अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है आपको बता दें भूमि घोटाला मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी इस मामले में बीते 4 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था इससे पहले बीते तीन मई को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी